हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूरन मोटर। आज हमारे पास आर्टिगा आई है, जिसका साइड मिरर कवर और इसकी इंडिकेटर लाइट टूट चुकी है। हम इसके अंदर नया साइड मिरर डालेंगे और इसको हम सबसे पहले पेंट करेंगे इसी कलर में। और अब आप देख सकते हैं कि ये इसका साइड मिरर है नया वाला। हम इसको पहले मास्किंग करेंगे, क्योंकि ये कंपनी से हमें ओरिजिनल पेंट में नहीं मिला, इस पर सिर्फ वाइट कलर का प्राइमर लगा हुआ है। हम इसको इसके असली पेंट करेंगे, जो इस पर जेन्युइन कलर होता है। यह आप देख सकते हैं, हमने इस पर पहले बेस कोट अप्लाई कर चुके हैं। हम इस पर पर्ल अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद हम इस पर दो कोट क्लियर के मारेंगे। जो आप देख सकते हैं कि हम इस पर क्लियर मार रहे हैं। ये प्रोसेस हमारा दो बार होता है। हम इसको पेंट डालने के कुछ देर बाद इसको हम फिट करेंगे। हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि इसको फिट कैसे करते हैं। हम सबसे पहले इसके हार्डबोर्ड को ओपन करेंगे। इसके अंदर दो स्क्रू होते हैं, हमें पहले उनको बाहर निकालना है। और इसके अंदर एक रॉकेट बटन होता है, जिसे हमें निकालना पड़ेगा। और एक हार्डबोर्ड पहली बार ओपन होगा तो ये बहुत टाइट से खुलेगा। एक ये रहा स्क्रू, हमें स्क्रू ड्रायर की मदद से इसको खोलना है। और ये इसका बटन, जिसे हमें निकालना है। अब हम इसको नीचे की तरफ से बाहर की तरफ पुश करेंगे। ये पहली बार खुला है इसलिए इतना टाइट खुला है। और अब आप देख सकते हैं कि इसके साइड मिरर के स्विच है, हमें इसे पहले बाहर निकालना है। इसे बाहर निकालने के बाद हमें 3-10 नंबर के नट लगे होंगे, हमें उसे 10 की T40 से खोलना है। उसके बाद हम इसके अंदर नया साइड मिरर डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा साइड मिरर एकदम फिट हो चुका है, इसका पेंट भी एकदम मैच कर रहा है। हम इसके देख रहे हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, और ये एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये इनसाइड क्लोज और ओपन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और अब आप इसके ग्लास को देखेंगे, ये ग्लास लेफ्ट राइट हो रहे नहीं हो रहे, हाँ ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, हाँ ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें हमें कोई कमी नहीं है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने